आज से 35-36 साल पहले एक फिल्म आई थी, सत्य पर सत्ता। अब उसी फिल्म की नकल करते हुए एक फिल्म रिलीज हुई है जिसका टाइटल है फिर आया सत्य पर सत्ता। कहा तो यह जा रहा है कि फिर आया सत्य पर सत्ता निर्माता निर्देशक ने जब अमिताभ बच्चन, हेमा मालिनी अभिनीत वो फिल्म सत्य पर सत्ता देखी थी जो अपने ज़माने की सुपर डुपर हिट थी, तभी उनके मन में ये ख्याल आया था कि वो भी एक ऐसी फिल्म का निर्माण करेंगे, और आज उनका सपना पूरा हुआ है। उन्होंने सत्य पर सत्ता फिल्म की कॉपी करते हुए एक फिल्म का निर्माण किया है सत्य पर सत्ता, जिसमें उन्होंने नौसिखिए अपरिपक्व कलाकारों को चांस दिया है। इन कलाकारों का अभिनय बहुत ही बचकाना है। फिल्म की कथा पटकथा भी बहुत ही कमज़ोर है। सत्य पे सत्ता फिल्म अपने ज़माने की सुपर डुपर हिट फिल्म थी, उसके गीत संगीत भी बहुत ही लोकप्रिय हुए थे। इस फिल्म का गीत संगीत भी कुछ खास नहीं है। आप सिनेमा हॉल में फिल्म के गाने सुनेंगे, लेकिन बाहर निकलते ही आप भूल जाएंगे। फिल्म की कथा पटकथा इतनी कमज़ोर है कि आपको कोई सीन, कोई संवाद याद नहीं रहेगा। तो ऐसी फिल्म से कुछ उम्मीद भी नहीं की जा सकती है। ये फिल्म आज भारत के करीब 30-35 सिनेमाघरों में प्रदर्शित की गई है, और इस फिल्म की ओपनिंग कुछ खास नहीं है। ऐसी फिल्म का सिनेमाघरों में क्या भविष्य होगा, ये कहने की आवश्यकता नहीं है। फिल्म में दम बिल्कुल नहीं है, फिल्म की ओपनिंग बहुत ही ख़राब है, और ये फिल्म अपना एक सप्ताह सिनेमाघरों में पूरा कर पाए, इस पे संदेह है। हमारे चैनल की ओर से इस फिल्म को कोई स्टार नहीं दिया जाता, और इसकी बिजनेस रेटिंग भी 0 है।